बार लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू एंड देन वी आर गुड टू बिगिन। ओके, सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं, ओके, आई एम श्योर यू ऑल रिमेम्बर कि हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले जब कनेक्ट किया था और क्वांट्स की बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि यार क्वांट्स के लिए अपना टारगेट सेट कर लो। कितने लोगों ने अभी तक अपना टारगेट सेट नहीं किया हुआ है? यू नो, टारगेट सेटिंग देख ले, यू नो दिस इज यू नो अ प्रोजेक्शन दैट आई हैव कम अप विद। क्या प्रोजेक्शन बन रहा है कैट 2023 के लिए? असेस योर करेंट पोजिशन, सबसे पहले अपना टारगेट सेटिंग कर ले, ठीक है? हम सब लोगों को यू नो इस पॉइंट इन टाइम पे टारगेट सेट कर लो और एक टारगेट पहले अचीव करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि मैंने अभी अभी स्टार्ट किया, मैं 99% एम कर रहा हूँ, ठीक है? अगर तुमने अभी स्टार्ट किया है, तुम देख ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ कि 12 क्वेश्चन अगर यू नो हमने करे हैं, ठीक है, सो 12 क्वेश्चन अगर ठीक कर दिए तो मेरा रॉ स्कोर 36 बन जाता है। वहां से भी मैं 99 की उम्मीद कर सकता हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, राइट? सिमिलरली अगर मैं 99.9 पे जाना चाहता हूँ तो 16 हो जाएगा। Anybody who's aiming for, let's say, 96, 97, 98 should aim 10 questions at least. ठीक है, तो 10 question तेरे को ठीक करने। सबसे पहला टारगेट अपना क्या होना चाहिए? सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि भाई अपना 10 question ठीक कर, ठीक है? तो 10 question ठीक करो। अपना करेंट पोजिशन कैसे पता चलेगा? कोई भी कैट का PYQ ले लो, ठीक है, कोई भी कैट का PYQ ले लो। PYQ एक बार खुद से देखे देख लो कि तेरा करेंट पोजिशन कहाँ पे है, ठीक है? करेंट पोजिशन लेके तुम सेट कर लो। मान ले फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो पहला टारगेट लो 10 क्वेश्चन का। जो लोग ऑलरेडी 10 क्वेश्चन पे हैं वो ये टारगेट्स लेंगे कि मैं 12 क्वेश्चन ठीक करूंगा या 14 क्वेश्चन ठीक करूंगा, 16 क्वेश्चन ठीक करूंगा। तो कौन से की टॉपिक्स हैं ये देख ले कि तेरा, अगर मैं 22 क्वेश्चन का पेपर देखूं तो 22 क्वेश्चन के अंदर कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो एक बार समझ लो, ठीक है? तो अपना अगर डिवीजन देखें तो फॉर एग्जांपल अपना 41% बन रहा है अरिथमेटिक के लिए, ठीक है? उसके बाद अपना एलजेब्रा 27%, मतलब 22 में से 9 से 10 क्वेश्चन तेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 5 से 6 क्वेश्चन तेरे को यहाँ से देखने को मिल जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन और 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे स्प्लिट बनेगा। तो तुम खुद देख ले, तेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बन रहे हैं अरिथमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये 3 के ऊपर मेजर फोकस, ठीक है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या मैं यही सारे टॉपिक्स करूं, बाकी भी कर जरूर लेना, बाकी का भी बेसिक लेवल जरूर कर लेना, लेकिन अगर मेजर मैं बात करूं जहां पे अपने को मैक्सिमम फोकस डालना है वो ये टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, जहां पे अपने को एफर्ट सबसे ज्यादा मारने का, ठीक है? अगर मैं बात करूं कि कहां से अरिथमेटिक में कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको भी थोड़ा सा ड्रिल डाउन करते हैं, तो आपके जो दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, एक बनता है PAR विच इज परसेंटेजेस एवरेजेस रेशियोज, यहां से सबसे ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चन इधर बनता है। टाइम यू नो उसके बाद तेरा टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन बनता है। बाकी जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, वहां से 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये वो मेजर टॉपिक्स हैं। अगर तेरे को चाहिए कि कौन से टॉपिक्स डेफिनेटली अपने को करने हैं तो ये देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्राइमरली इसमें सारे ही हो गए, बट ये वाले तुम पहले उठाओ जिसमें क्वेश्चंस ज्यादा दिख रहे हैं। ये देख, ये 4 क्वेश्चन वाला, ये 3 क्वेश्चन वाला, फिर 2-2 क्वेश्चंस वाले पहले उठा लो। तो कितने टॉपिक्स बने देख, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टॉपिक्स कौन कौन से बने? PAR बन गया, PNL इंटरेस्ट, टाइम वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इक्वेशंस बन गया, प्राइमरली क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशंस, लॉगरिदम बन गया, और उसके बाद ये अदर्स में तो थोड़ा सा मिक्स है, बट प्राइमरीली अगर हम देखें तो ये 5 मेजर एरियाज हैं जहां से डेफिनेटली डेफिनेटली क्वेश्चंस आने वाले हैं। फोकस, ठीक है, इस वाला, ये वाला जो डिस्कशन था उसका एजेंडा यही था कि कहां पे फोकस रखना है अगर क्वांट्स में मैक्सिमाइज करना है, तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब ध्यान से सुन ले, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ठीक है? प्रिपरेशन प्लान जो लास्ट 50 दिन का होने वाला है उसमें मेरा बहुत बेसिक इनपुट यही रहेगा कि Layer 1 और 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर मैक्सिमम फोकस डाल, ठीक है? Layer 1 कॉन्सेप्ट तुम कहीं से भी कर सकता है, Layer 1 कॉन्सेप्ट तुम चाहे बेसिक अरुण शर्मा बुक से कर लो, तुम्हें ज्यादा तकलीफ या ज्यादा प्रॉब्लम होती है Layer 2 कॉन्सेप्ट, ये तुम कहां से करोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? Layer 2 कॉन्सेप्ट के लिए मेरा बहुत बेसिक सजेशन यही रहेगा, जो Layer 2 वाले, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सब लोगों ने है ना सर्कुलर ट्रैक पढ़ा है, तो सर्कुलर ट्रैक में पहली मीटिंग कहाँ पे होगी, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, ये सब बहुत आसान है, ये सब Layer 1 कॉन्सेप्ट। अब इसमें मेरे को कैलकुलेट करना है, मान ले कि एक फॉर एग्जांपल एक इंसान है, इधर से भाग रहा है, उधर से भाग रहा है, 128th मीटिंग कहाँ होगी, 977th मीटिंग कहाँ होगी, ये सारी चीजें अगर मेरे को क्विकली सॉल्व करनी हो तो मेरे को कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। वो डिटेल में समझने के लिए व्हाट यू नो आई वुड रेकमेंड यू शुड डू इज कि जो भी तुम्हारे अभी तक जहां भी तुम पढ़ रहे थे उसके नोट्स अच्छे से रिवाइज करो,
ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई नोट्स नहीं है, अगर तुमने अभी तक इसकी तैयारी नहीं करी है, तो किसी को पकड़ो, या तो किसी फ्रेंड को पकड़ो, या किसी गाइड को पकड़ो, मेंटर को पकड़ो, लेयर टू कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेयर टू कॉन्सेप्ट्स जब तक तेरा क्लियर नहीं होगा, तब तक क्वांट में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वही होता रहेगा तेरे साथ कि मैं मॉक के अंदर गया, वहां क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, बाद में सोल्यूशन देखेगा तो समझ में आ जाएगा, सोल्यूशन देखेगा तो। बेसिकली लेयर टू लेयर वन से ही डिराइव होता है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर लेयर टू का कोई क्वेश्चन आ गया मॉक में, तो जिसने भी लेयर वन करा हुआ है और लेयर टू उसने नहीं करा, तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो उसको स्ट्राइक नहीं करेगा उस टाइम पे। लेकिन बाद में जब वो सोल्यूशन देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो डिराइव लेवल तुम्हारा लेयर वन से ही होता है। दैट इज द प्रॉब्लम अ लॉट ऑफ पीपल फेस, कि मेरा मॉक में स्कोर बन नहीं रहा है, लेकिन मैं बाद में उसको देखता हूं तो मेरे को समझ में आ जाता है। समझ में आएगा अगर तेरा लेवल वन तूने किया हुआ है, लेकिन अगर लेवल टू नहीं किया, इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। इफ यू हैव अ फ्रेंड, ठीक है, तो या तो गुरु है अच्छा कोई, या मित्र है अच्छा, ठीक है, कोई अच्छा गुरु मित्र भी हो सकता है, और कोई अच्छा मित्र गुरु भी हो सकता है ना। तो उसको पकड़ो और उसके साथ बैठो, समझो, ठीक है, ये वाला एस्पेक्ट को क्लियर करना, ये जो लेयर टू जो मैं बोल रहा हूँ, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है अगर क्वांट्स में तेरे को कंफर्टेबल फील करना है ना। एलजेब्रा में भी सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम करते हैं, लेकिन जैसे ही हायर ऑर्डर में जाते हैं, थर्ड ऑर्डर में चले गए, फोर्थ ऑर्डर में चले गए, तो स्ट्रगल हो जाता है, राइट। सो ये इस टाइप की चीजें जब लेयर टू तुम समझेगा कॉन्सेप्ट्स का, तभी जाके क्लियर हो, वो बहुत बहुत जरूरी है लास्ट में अगर क्वांट में अपने को बिल्ड करना है कॉन्फिडेंस तो, ठीक है। इसके अलावा क्वांट में तेरे को चाहिए टाइम्ड प्रैक्टिस, टाइम प्रैक्टिस करो, जो भी पढ़ रहे हो टाइम तरीके से पढ़ो, 40-40 मिनट के टेस्ट दो, ठीक है, दैट इज समथिंग विच विल हेल्प यू। उसके अलावा जो भी तुम मॉक दे रहा है, मॉक्स जरूर देना। एक चीज बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर सेक्शनल कर रहे हैं, सिर्फ सेक्शनल करने से तेरे को क्वांट का एक्चुअल स्कोर कभी पता नहीं चलेगा, वो सिर्फ मॉक में पता चलेगा। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि क्योंकि क्यूए हमेशा वीएआरसी और डीआईएलआर के बाद आता है ना, तो ये जो बोझ लेके आता है ना क्यूए, जो बोझ तेरा इनिशियल से जो बोझ लेके क्यूए में आता है, वो बोझ तेरा क्यूए के स्कोर को काफी सप्रेस कर देता है। वही एक्चुअली कैट में भी होगा, तो कैट में ऐसा तो है नहीं कि क्यूए पहले आ जाएगा। तो देयरफॉर तेरा सेक्शनल्स जो होते हैं वो ठीक है प्रैक्टिस करने के लिए, पर तेरा ट्रू स्कोर या तेरा ट्रू पोटेंशियल हमेशा मॉक में मालूम पड़ेगा, ठीक है। अपने को लास्ट के 50 दिन में अगर मैं क्वांट की बात करूं, तो तुम्हें क्या करना है, लेयर वन रिवाइज करना है, ओके, लेयर टू को क्लैरिफाई कराना है, उसके बाद तेरे को मॉक्स देने हैं और टाइम्ड प्रैक्टिस करना है, और इसके अलावा पीवाईक्यूज करने हैं, विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा भटकते हैं, कि वो उन्होंने 2-4 दिन कुछ तो किया, ठीक है, कोई एक टॉपिक फॉलो किया, किसी एक जगह से किया, उसके बाद 4 दिन के बाद अलग जगह पहुंच गए, 4 दिन के बाद वो फिर कहीं और से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, 4 दिन कहीं और से किया, फिर 5वें दिन फिर कहीं और पहुंच गए, ठीक है। तो ये जो, ठीक है, इस पॉइंट इन टाइम पे तेरा जो रिसोर्सेस हैं इस वक्त, जो इंटरनेट पे जितने रिसोर्सेस हैं, ठीक है, ये इतने ज्यादा हैं कि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। तो अपना रिसोर्स प्रॉपरली आइडेंटिफाई करो, रिसोर्स ठीक है कि नहीं ठीक है, अपने एक बार मेंटोर से, गाइड से, कोई अच्छा फ्रेंड है जो अच्छा कर रहा है मॉक्स के अंदर, उसके साथ डिस्कस करके एक बार फिक्स कर लो कि मैं इस तरीके से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है गलत है। इफ यू वॉन्ट टू वेरीफाई इट विथ मी, you can reach out to me also, okay, we will share the contact in the chat below, ठीक है। तो एक बार fix कर लो, अपने resources fix करो। एक बहुत amazing sentence में कहीं तो पढ़ रहा था कि अक्सर महाभारत में जो दुर्योधन होते हैं वो कृष्ण को छोड़ के नारायणी सेना को चुन लेते हैं। मतलब the focus, जब भी आप focus quality से हटा के सिर्फ quantity पे डालते हो ना, तभी problem शुरू होती है, ठीक है। तो इधर उधर भटकना बंद कर, resources को identify करो, fix करो और पढ़ाई करो, मतलब भागते मत रहो, ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेंटेंस जो अपने को बिल्कुल नहीं करना चाहिए लास्ट के 50 दिन में, वो ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, इतनी बार बोल देते हैं कि सच हो जाता है, ठीक है। तो मत बोलो, ठीक है, कोशिश कर कि पॉजिटिव बोल कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, आई विल ट्राई टू डू दिस, मैं अपना बेस्ट करूंगा, बाकी ऊपर वाले के ऊपर है, यू कांट कंट्रोल द आउटकम्स, राइट, बट कर्मण्येवाधिकारस्ते, दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। करने हैं एक या दो मॉक्स पर वीक अप्रोप्रिएट है, ठीक है, एक या दो मॉक्स अप्रोप्रिएट है। अगर पर वीक तुम देखो, यहां से जितने भी वीक्स हैं, एक या दो, तीन से ज्यादा मत करना, बिकॉज तीन से ज्यादा फिर एनालाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि अपने को पढ़ाई भी करनी है, रिवाइज भी करना है ना, तो कॉन्सेप्ट रिविजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे लेयर टू की बात ऑलरेडी कर दी है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्यूए में तुम 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जाना चाहते हो तो ये जो लेयर टू वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सिर्फ लेयर वन के दम पे वहां तक पहुंचना मुश्किल होता है, ठीक है। सिर्फ लेयर वन एकदम ही बेसिक मेरे को पता है उसके दम पे। अब रिलेटिव स्पीड सबको मालूम है कि दो लोग अपोजिट डायरेक्शन से भाग रहे हैं, है ना, तो स्पीड्स अपन लोग ऐड कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर, तो ए प्लस बी कर देंगे। अगर सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं ए और बी है तो ए माइनस बी कर देते। ये किसको नहीं पता, सबको पता है, जितना भी इंसान बेसिक पढ़ के बैठा सबको मालूम है, पर इससे अपना काम होगा नहीं, ठीक है। इससे इंट्रिकेट डिटेल्स में अपने को पॉइंट्स में घुसना पड़ेगा अगर हम एम कर रहे हैं 10, 12, 15, मतलब अगर 96, 97, 98, 99 में जा रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपना अपना फॉर्मूला शॉर्टकट और एटिपिकल क्वेश्चंस का जो लिस्ट है वो अलग से बना के रखो, ठीक है, है ना। एटिपिकल क्वेश्चंस का लिस्ट अपना अलग से बना के रखो, फॉर्मूलाज का लिस्ट बनाओ, शॉर्टकट का लिस्ट बनाओ लास्ट में रिवाइज करने के लिए, ठीक है। इसको बना के अलग से रख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हेनेवर यू यू नो फील लाइक हैविंग सम एक्सटर्नल सपोर्ट, ठीक है, कोई एक्सटर्नल सपोर्ट है, रीच आउट टू एनी फ्रेंड, मेंटोर, गाइड, ठीक है। कोई चीज डिस्कस कर रही है, समझना है, पूछना है, पूछ लो, ठीक है। देयर इज अ कॉन्टैक्ट विच आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग, कुछ अगर तेरे को डाउट है, कुछ आइडियाज समझ नहीं आ रहे, पूछ लेना, ठीक है, डोंट हेजिटेट, ठीक है। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात है मॉक्स के अंदर, एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट बोलूंगा जो अभी तक लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, विच इज हैव समथिंग कॉल्ड अ 30 seconds रूल। वो 30 seconds रूल या 45 seconds रूल हो जाएगा, है ना, क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं, 30 seconds रूल या 45 seconds रूल हो जाएगा, ठीक है। 30 seconds रूल और 45 seconds रूल क्या बोलता है, बहुत सिंपल बात है कि आप यू नो अपने टाइम के ऊपर कट ऑफ रखो। अगर मॉक में तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है क्वांट्स का, तुम डिसाइड कर लो 45 seconds रखेगा कि 1 minute रखेगा कि 30 seconds रखेगा। अगर 30 seconds में, मेरा रूल बहुत सिंपल है, जब मैं मॉक देता हूं तो 30 seconds में अगर क्वेश्चन ठीक, मतलब ठीक ठाक समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करेंगे, या ये समझ में आ गया कि 1.5 minute से ऊपर ही जाने वाला है, तो उस क्वेश्चन को स्किप मारो, आगे बढ़ो, ठीक है। व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टू नॉट सेलेक्ट द राइट क्वेश्चंस बट टू रिजेक्ट द राइट क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस को रिजेक्ट करना बहुत जरूरी है। तुम क्वेश्चंस को रिजेक्ट नहीं करेगा तो तुम कभी भी सही क्वेश्चंस पिक नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर आप एक और इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, लास्ट के 45-50 days में थोड़ा सा अगर आपको अगर फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव वाइब्स से दूर रहना है, वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, तुम्हारे, मैं घर वालों को कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, लेकिन वो कोई भी हो सकता है। सी प्राइमरीली एनीबडी हु गिव्स यू दिस वाइब कि तुम नहीं कर सकते हो, दूर रहो, ठीक है। एनीबडी हु टेल्स यू कि तुम नहीं कर सकते हो, दूर रहो, ठीक है। एनीबडी हु टेल्स यू कि तुम नहीं कर सकते हो, उसको एक्चुअली तुम्हारे पोटेंशियल के बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो व्हाट यू शुड डू इज कि दूर रहो, अपना फोकस मारो, एफर्ट मारो और करके दिखा दो, ठीक है। दैट द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज शो इट टू देम कि तुम कर सकते हैं, और वो तभी होगा जब तुम खुद विश्वास करोगे कि कर सकते हो। अपने आप के बारे में नेगेटिव बोलना बंद करो, जब तुम अपने आप के बारे में नेगेटिव बोलोगे तो सामने वाला भी नेगेटिव बोल ही देगा ना तुम्हारे बारे में। सो रिमेंबर दैट, स्टे अवे फ्रॉम तेरे को लग रहा है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और फिर भी स्कोर नहीं आ रहे हैं, आई विल हेल्प यू आउट एंड अंडरस्टैंड कि क्या गैप्स होंगे, ठीक है। आई विल बी क्रिएटिंग समथिंग फॉर DILR एंड BRC ऑल्सो, बट आई एम होपिंग के आई स्टार्टेड विथ QA सो दैट आई कैन गिव यू अ सेंस फ्रॉम अ QA स्टैंडपॉइंट, ठीक है। आई विल कीप कमिंग बैक विथ सम मैजिकल लेसंस ऑन द YouTube एज वेल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इट, यू ऑल बीन वेरी वेरी पेशेंट। Thank you for working hard. Make sure that you do very, very well. ठीक है, बहुत अच्छा करो. God bless you all. Take care and bye-bye.